जनपद में कई दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका था। सूर्य की कड़ी तपिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। वहीं सोमवार की शाम को अचानक बादल छा गए और देखते ही देखते रिमझिम बारिश शुरू होने लगी। वहीं गर्मी से पसीने में तर बतर हो चुके जनमानस को बारिश ने राहत दिलाई। वहीं दूसरी ओर फरहा क्षेत्र के कुरकंदा में पड़े ओलों से किसानों के खेतों में खड़ी मूंग की फसल के नष्ट होने का डर सताने लगा। सोमवार की शाम को जनपद में जहां कई क्षेत्रों में रिमझिम बारिश हुई, तो वहीं फरहा क्षेत्र में आसमान से रिमझिम बारिश के साथ साथ करीब 10 मिनट तक ओले बरसे। किसानों ने ओले हाथ में लेकर दिखाते हुए खेतों में खड़ी मूंग की फसल को नुकसान होने की आशंका जाहिर की है। पॉप सिंह, तो ये ओले पड़े हैं, करीब कितने वजन के ओले पड़े होंगे? आधा किलो का ओला है। आधा किलो जला ओलों की नजारा दिखाना, कितने बड़े ओले? देखो ये देखो, अब ये कम से कम 25-30 मिनट होगी। अच्छा, अभी तक ये भरा नहीं है जब से बारिश बंद हुई है। 25-30 मिनट के बाद भी अभी तक ये ओला भरा नहीं है? बताइए जितनी फसल है वो मूंग है, मूंग जितनी है नष्ट हो गई, पूरी नष्ट हो गई। अब बताइए इसमें क्या करें क्या नहीं करें। ओलों की वजह से फसल भी नष्ट हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है सर, मूंग की फसल नष्ट हो गई बिल्कुल। मूंग में कुछ नहीं बचा, फरी आ रही है उस पर, फरी आ रही है तो फरी बिल्कुल टूट टूट के बगर और फूल जो आता है वो सब टूट टूट के नीचे गिर गया। आइए बताइए क्या भारी नुकसान हुआ है। आधा किलो में से ये तो फरी है, पत्ते हैं, अगर इंसान की जान में पड़ जाए। अब जब से हमारी 51 की उम्र हो गई, अभी तक हमने ऐसा इतना तगड़ा हो रहा अभी तक नहीं। अब कि ये पहली बार ओला पड़ा इतना बड़ा? हमारी उसमें याद में अभी तक ऐसा ओला नहीं पड़ा, अभी तक कभी ऐसा ओला नहीं पड़ा, पहली बार ऐसा ओला पड़ा है। काफी मात्रा में काफी बड़े बड़े ओले पड़े हैं, धरती बिल्कुल बिछौना हो चुकी है ओलों के कारण। जिला मथुरा के थाना फरा क्षेत्र गाँव कुरकंदा पर हम मौजूद हैं, यहाँ से आपको दिखा रहे हैं सीधा नज़ारा। काफ़ी मात्रा में बड़े बड़े ओले पड़े हैं। इन भाई साहब ने बताया कि किसान की फसल ओलों के कारण बर्बाद हो चुकी है। आप देख सकते हैं ओलों का नज़ारा, कितने बड़े बड़े ओले पड़े हुए हैं यहाँ पे काफ़ी मात्रा में। जबकि ये तो 10-15 मिनट पहले पड़े हुए हैं, 15 मिनट पहले पहले पड़े हुए हैं। देखो 15-20 मिनट या 30 मिनट हो चुके हैं ओलों को पड़ते हुए, अभी तक ओले घुरे भी नहीं है। देखिए अभी कितने बड़े बड़े ओले नज़र आ रहे हैं आपको कैमरा के सामने। यूपी क्राइम के लिए फरहा मथुरा से लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट।